प्रीति बोलो क्या कह रहा हूँ क्या खूबसूरत लग रही है यार आज वो तो मैं रोज ही लगती हूँ जिसने नया क्या था इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो शट अप अरे सुनो तो शट अप मुझे अरे क्या हुआ कुछ नहीं क्या हुआ यार क्यों गुस्सा हो रही हो तुम कुछ नहीं यार सब कुछ मैं बताऊँ तुम्हें खुद नहीं दिखता सुनो बोलो से हिंट दे दूँ क्या हिंदू यार डोंट यू थिंक कि तुम कितना चेंज हो गए हो पहले तो बड़ा आई लव यू बोलते थे अब वो भी नहीं बोलते और जब मैं बोलूँ तो मी टू ओके क्या है ये सब बस इतनी सी बात है इतनी सी बात इसके लिए तुम इतना क्यों भड़क रही हो देखो हमें 3 साल हो गए ना रिलेशनशिप में क्या रोज रोज एक दूसरे को आई लव यू कहना मनाना और उठना ये इमेच्योर होता है यार लेकिन इतना चेंज होने की क्या जरूरत थी अरे यार वो इश्क ही क्या जिसे जतलाना पड़े और अगर जतलाना पड़े तो वो इश्क नहीं तो अब आप शेरो शायरी करोगे वो भी इस गलत मौके पे उसमें गलत क्या था सही क्या था मगर गुस्सा हो गया अच्छा क्या आज अगर तुम चेंज तो नहीं हो जाओ यही बात तुम्हें बॉदर करी थी ना यार जब तेरे साथ होता हूँ तो मुझे करियर फ्यूचर गोल्स पैसे किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता लगता है जो अभी है ना इस मोमेंट में तू मैं तू बेस्ट है और ये मुझे कंप्लीट फीलिंग देता है और इसे अगर प्यार करता हूँ हमेशा इतना ही प्यार करोगे हमेशा लेकिन एक बात याद रखना अगर वहां जाके तुमने किसी और को डेट किया ना तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ गोली मार दूंगी उसे गोली मारोगी ना ठीक नहीं तुम दोनों को मार दूंगी इतना बड़ा क्यों रही हो यार मैं कल जा रहा हूँ शट अप काम करते कुछ अच्छी अच्छी फोटोज लेते इतना टाइम हो गया यार तुझसे मिले हुए बहुत मिस करता हूँ तुझे अब तो बस मिलने का इंतजार है मेरी क्यूटू और भाई हाँ खाने का क्या प्लान है खाने का यार घर पे बनाते घर पे हाँ हाँ मैं क्या सोच रहा था क्या हम लोग चलते ना बाहर खाने के लिए नहीं यार बाहर क्या रोज रोज खाना घर पे बनाते क्या रोज रोज चलते हैं ना नहीं 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 यार बाहर का नहीं खाना एक सेकंड कॉल आ रहा है हाँ हेलो हेलो रोहित हाँ बोलो मेरी बात ध्यान से सुनो मुझे आज के बाद तुमसे कुछ बात नहीं करनी ठीक है अरे सुनो तो मुझे कभी कांटेक्ट अरे मैंने तो लेकिन I just want breakup क्या breakup सब पी लेते हैं मैं तो पीऊं बोतल चा चा बोतल वोडका का मेरा रोज का ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका यार बंद कर रहे यार ये सब यार ब्रेकअप होने वाला है तुझे ये सब सूझ रही है जा बेवफा जा हमें प्यार नहीं करना तन्हाई जी लेंगे हम जब है तन्हा मरना अरे डूब मरो चंदन तुम डूब मरो लात मारो खुद को हराम खोर अरे इधर क्या बैक 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 यहाँ अबे यार हटो यार तुम सुन रोहित अरे सुन सुन मेरे भाई बैक बैक यहाँ बैक क्या हुआ अरे कुछ नहीं हुआ हटा अच्छा क्या हुआ बता ना मुझको इसको बंद कर तू ये मैंने ना इसको बंद किया अब बता क्या हुआ अरे यार वो है ना प्रीति तेरी वो दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड हाँ यार हाँ तो क्या हुआ कुछ नहीं कहती है उसे ब्रेकअप चाहिए ब्रेकअप हाँ क्यों पता नहीं यार कहती है हमारे रिलेशनशिप में वो बात नहीं रही मैं यहाँ हूँ मुंबई में वो दिल्ली में हाँ एंड यू नो ब्लडी फकिंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स मैं पिछले 8 सालों से अपने घर से दूर हूँ अपने माँ बाप से
उस लिहाज से देखा जाए तो मेरा माँ बाप के साथ ना रिलेशनशिप टूट जाना चाहिए, बिकॉज द फकिंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एज पर योर व्यू। हाँ नहीं यार, तुम बात नहीं समझ रहे हो। तुम दूसरे शहर में जाके नए बॉयफ्रेंड नई गर्लफ्रेंड बना सकते हो, ओके, नहीं माँ बाप नहीं बना सकते, समझ रहे हो। अच्छा एक बात बता, पिछले 5 सालों से एक आदमी अपनी पत्नी से दूर बॉर्डर में ड्यूटी दे रहा है, ठीक है, उस लिहाज से देखा जाए तो उसकी पत्नी को ना उस इंसान से ना डिवोर्स ले लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यू नो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लेकिन लाइफ उनकी चल रही है ना स्मूथली। अरे मेरे भाई सुन, ध्यान से सुन। हाँ वो कहती है क्या? कि हमारे रिलेशनशिप में वो ताजापन, वो चार्म नहीं रहा, चार्म जो पहले के दिनों में लवी डबी रिलेशनशिप में रहता है ना, हाँ, लड़कियों को बहुत पसंद आता है, हाँ, वो नहीं रहा, चार्म चार्म। हाँ एक बात बता, तुम लोगों ने रिलेशनशिप को ये फेस वॉश समझ ही रखा है क्या? निकाला, फेस में रगड़ा, पानी से धोया और चार्म आ गया, या फिर रिलेशनशिप को एक तुम लोगों ने टाटा टी का एक चाय समझ रखा है, पिया और गालियां ताजा हो ले। मैं समझ रहा हूँ, उसे कौन समझाएगा? आप समझाओगे, आप उसे बताओ क्या? कि हर एक रिलेशनशिप एक रफ पैथ से गुजरता है यार, वो हम लोग को टैकल करना पड़ता है, वी आर द वन हु इज गोइंग टू टैकल ऑल द सिचुएशन, ठीक है, लेकिन अगर नहीं मानी तो प्यार किसने किया है? तो झुकेगा बात, मैं झुकूंगा ऑब्वियसली। आप उसे कॉल करो, टेक्स्ट करो, मैसेज करो, नहीं हो सके तो उससे मिलो, उसको जाके समझाओ कि मैं आपसे कितना ज्यादा प्यार करता हूं, सिंपल। अगर नहीं मानी तो लगा उसको थप्पड़ वहां जाके सीधा। नहीं यार, और नहीं तो उसको बोल कि पिछले 8 सालों से मैं तुम्हारे साथ हूं, इस रिलेशनशिप में हूं, मैं चू हूं। भाई ये चू क्या होता है यार? चूतिया। उसको बोल कि मैं पिछले 8 सालों से तुम्हारे साथ हूं, तो मैं क्या चूतिया हूं? तो उसको ये भी समझा कि इस 8 सालों में मुझको कितनी सारी लड़कियों ने प्रपोज किया, कितनी सारी लड़कियों ने मुझे लाइन दी, लेकिन मैंने लाइन किसको मारा? तुम्हें मारा। क्यों? क्योंकि प्यार मैं तुमसे करता, सिंपल। यार भाई बात सही है तेरी, मतलब बहुत सारी लड़कियों ने मुझ पर लाइन मारी, अभी भी मारती है, लेकिन मैंने तो उसके साथ ही सेट किया है, मैं उसी से प्यार करता हूँ, मैंने किसी को भाव नहीं दिया। क्या नाम है उसका? प्रीति ना? प्रीति। अच्छा एक बात बता, ये प्रीति क्या लगती थी? गर्लफ्रेंड के अलावा यार मेरा प्यार है वो, प्यार के अलावा भाई यार वो जिंदगी है मेरी, बस बस प्यार करता हूँ, बस यही। अब मुझे एक चीज बता, अगर आपकी जिंदगी कोई आपसे छीन के ले जाएगा, जी लोगे? नहीं यार, सरवाइव कर लोगे? तो बस उसको बोलो कि यार आप मेरी जिंदगी हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तुमने तो वो सुना होगा ना कि अगर आप मेरी जिंदगी मुझसे छीनोगे तो मैं आपकी जिंदगी में घुस जाऊंगा। हाँ हाँ सुना तो है यार। चू साले डायलॉग मार रहा है तू यहाँ पे? भाई मेरे डायलॉग पे मत जा, इमोशन इमोशन में जा, इमोशन में, इमोशन। हाँ अरे वैसे बात तो सही है, जाऊंगा बात करूंगा, उसके घर जाऊंगा, उसे समझाऊंगा, उसके माँ बाप को समझाऊंगा, घर के बाहर खड़ा रहूंगा, खाना तक नहीं खाऊंगा, ये सही है। लेकिन अगर नहीं मानती तो फिर मानेगी यार? मान यार। वैसे चंदन तूने ना बहुत अच्छे से समझाया, कोई और ऐसे नहीं समझा पाता। क्या करूँ यार, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं, तेरी तो जा रही है। हाँ यार मैं निकलता हूँ। हेलो क्या हाल चाल है? ठीक हो? हाँ तेरी जिंदगी कन्वेंस कर साले इसे। हेलो या हाय या कैसी हो? हाँ I'm going to go.